उत्तराखंड में आज कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 47 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 0, चमोली में 2, बागेश्वर में 1, चंपावत में 1, देहरादून में 2, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 12, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी गढ़वाल में 1, उधमसिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 1 कोरोना का नया मामला सामने आया। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में मौत का कुल आंकड़ा 7,357 पहुंच गया, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 341,486 पहुंच गया। इसमें से 604 केस ही एक्टिव हैं। वहीं आज उत्तराखंड में 45,342 लोगों को वैक्सीन लगी। प्रदेश में 45 प्लस के 11,98,565 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 18 प्लस वालों की बात करें तो प्रदेश में 42,898 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। उत्तराखंड में 14 मरीजों ने दी ब्लैक फंगस को मात, 2 की गई जान। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर ब्लैक फंगस के 14 मरीज ठीक हुए हैं, हालांकि 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के 3 नए मामले भी आए हैं। भूस्खलन से 3 घंटे बंद रहा हल्द्वानी नैनीताल हाईवे, बेबस हुए पर्यटक। तो 2 दिन से हो रही बारिश के कारण पहाड़ों पर जगह जगह भूस्खलन शुरू हो गया है। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे डोलमार के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। जाखो राखो साइयां मार सके ना कोई, 75 साल के गेणा सिंह सलामत 2.5 घंटे मलबे में दबे रहे। तो उत्तरकाशी के मांडो गांव में 75 साल के गेणा सिंह ने मौत को मात दी है। गेणा सिंह मलबे से दबे घर के अंदर 2.5 घंटे तक फंसे रहे। 2.5 घंटे बाद बुजुर्ग को सकुशल निकाल लिया गया। श्रीनगर और अल्मोड़ा में खुलेंगे यूपी एसएससी परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थियों को होगा फ़ायदा। तो श्रीनगर और अल्मोड़ा में यूपी एसएससी परीक्षा केंद्र खोले जाने के फैसले पर धन सिंह रावत ने केंद्र का आभार जताया है। घर को लूटने की फिराक में थे 2 बदमाश, पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के लिए एक घर को टारगेट किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सावधान, पहले एफबी पर अनैतिक कार्यों को देते हैं प्रलोभन, फिर जंगल में ले जाकर लूटते हैं। तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह फेसबुक के जरिए पहले लोगों को दोस्ती करता था, फिर उन्हें अनैतिक कार्यों का प्रलोभन देकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। उत्तराखंड एसटीएफ की पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर से मुठभेड़, अब तक 4 गिरफ्तार, विदेशी ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुई है। तो पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर के साथ उत्तराखंड एसटीएफ की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे विदेशी ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभी भी ये ऑपरेशन जारी है।